ये देखो मुस्तफाबाद का क्या हाल हो रहा है इस टाइम। चलो मैं देखो, सारा पैर पड़ गया मेरा। तो यहाँ तो ये देखो बन रहे हैं बैंगन आलू तोरे। तो ये देखिए, ये जैसे कि मैंने दिखाया था, हमारे भाई साहब ने निकाला है जूस, ये घर का एकदम फ्रेश फ्रूट का फ्रेश जूस। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो जैसा कि है, मैं यहाँ घर पर आ गई थी रात, ठीक है, तो अपने मायके आ गई थी। तो हमारे बड़े वाले भाई, हमारे भाई साहब ये निकाल रहे हैं जूस, चुकंदर का, मौसमी का, आंवले का, ठीक है। तो हम जूस निकालने वाले हैं। और मैंने ब्लॉग 11 बज चुके हैं इस टाइम, और अबान भी सुबह ही उठ गया था। ये जूस वाले भैया, ये हमारे गजब बेइज्जती है। अब अलग से ना बना रहे मौसमी का भी जूस बना रहे हैं, चुकंदर का और मौसमी का सब मिक्स तो ये बन चुका है, और अब छील ले मौसमी, हम बनेगा मौसमी का जूस। हाँ तुम्हें ये पसंद है, ठीक है, तुम्हें इसका जूस मिलेगा, इधर बैठ जाओ। तो यारिश ना मुझे कभी भी बात नहीं करने देता, मैं बात करते करते भूल जाती कि मुझे क्या बात करनी थी। तो ये देखिए, ये जैसे कि मैंने दिखाया था, हमारे भाई साहब ने निकाला है जूस, ये तो वो उसका था, क्या नाम है, मौसमी का, और ये वाला जूस चुकंदर का है। चुकंदर मौसमी मतलब मिक्स है। तो ये घर का फ्रेश जूस निकल के तैयार। हाँ ये बेटा, ये वो है सोट है, ये वो नहीं है, इसे नहीं डालना। तो इसे डालो, घर का एकदम फ्रेश फ्रूट का फ्रेश जूस निकल के तैयार हो चुका है। और मुझे ये पीना है, ये वाला डबल है, ये वाला। तो आरिश को लग रही है बहुत जोर की भूख, तो आरिश को मैंने दिया एप्पल काट के। आरिश रात थोड़ी सी बिरयानी मैं लेकर आई थी, तो वही रखी है थोड़ी सी। रात आरिश ने बिरयानी खाई थी ना रात, मुझे पता था रात आरिश को भूख लगेगी वहाँ से आने के बाद में। तो जैसे कि मैं रात घर से आई थी, तो रात ऐसे 11 बजे इससे फिर से भूख लगी, तो मैंने इसे बिरयानी गर्म करके ली थी, तो रात खाई थी, फिर ये वही बची हुई रखी है जिससे कि अब खा रहा है। और साथ में दे दिया एप्पल काट के, तो एप्पल खा रहा है। और साथ में डिमांड ये भी कर रहा है कि अम्मी मैं स्कूल में भी एप्पल खाऊंगा, जब मैं स्कूल जाया करूँगा तो मुझे एप्पल भी देना, बनाना भी देना खाने के लिए। और अम्मी तो देख रही है यहाँ पे बैठ के टीवी सीरियल, ये चल रहा है इनका पाकिस्तानी सीरियल देख। और शायद आपने एक छोटी बात है, लेकिन जो चीज़ें फलक ने हमें बताई वो शर्मिंदगी करवाए। और अबान तो जैसे कि मेरा मैंने बताया था, अबान तो सो रहा इस टाइम, सुबह ना सुबह जल्दी उठ गया, और जब से खेल ही रहा था, फिर ये किस टाइम सोया है, ये सोया है अबान 10 बजे अबान फिर सो गया था। और सुबह ही काम निमट, यहाँ का ना पूरा घर का ऊपर का नीचे का सारा किचन का सारा काम ना सुबह ही 9 बजे तक सारा काम पूरा निमट गया था। एक बज चुका है और आज दिन है फ्राइडे का, तो जैसे कि आज जुमे का भी दिन है, तो अभी नमाज भी पढ़नी है। तो ना ये जो मुर्गा है, ये जो चूजा घूम रहा है ना, बहुत परेशान कर रहा है, बच्चों को काट रहा है ये। तो जो अबान यहाँ खड़ा है, इसने ना अबान को डरा दिया, वरना अबान से प्यार करने का, वो ना इस पर ना झपट्टा मारना आया, तो अबान रोने लगा। और मैं जा रही हूँ अभी किचन में, मैं इतने सब नमाज पढ़ के आएंगे, तो मैं पहले रोटियाँ रख देती हूँ बना के, फिर उसके बाद में बस मेरा काम रह गया, फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। तो मम्मी ने बनाई थी दाल रात, ठीक है, तो रखी हुई है काफ़ी सारी दाल रखी है, तो मुझे रोटी बनानी है बस खाली। इसने कर दिया परेशान, अब आन को डरा दिया इसने बहुत। तो दुबक यहाँ पे हाँ। One hour later. तो ये देखिए, इस टाइम दोपहर के 2 बज चुके हैं और सब नमाज पढ़ के आ चुके हैं, और यहाँ पर भी सब फ्री हो चुके हैं। तो अब खाना खाने बैठ गए हैं दोपहर का। तो खाने में मैंने आपको जब दिखाई थी, ये दाल है रात की, अम्मी ने बनाई थी रात में दाल, और ये काटे हैं खीरे, और रोटी है, और बाहर से आया है ये कोरमा। और ये देखना अबान क्या कर रहा है, अबान ने सारे कपड़े अपने दाल में गंदे कर लिए, ढक्कन लगाओ उसका। तो चलो हम जल्दी से खाना खा लेते हैं अपना, जल्दी फ्री होते हैं खाना खा के फिर। ये देखो मुस्तफाबाद का क्या हाल हो रहा है इस टाइम,
पैदल भी नहीं निकला जा रहा। ये देखो इतना बुरा हाल है यहाँ गलियों का, बहुत ही ज्यादा सारी नाली टूटी पड़ी है सारा। ये देखो मेरा सारा पैर भी गंदा हो गया यहाँ पर। ये देखो चलो मैं देखो सारा पैर बन गया मेरा, इतनी बुरी हालत है यहाँ। तो जैसे कि मैंने बताया था हम जाते हैं चाची के घर, उनके यहाँ है कुरान खाने, तो उसके लिए कुरान खाने में शामिल होने जा रहे हैं। Three hours later. तो गाइस इस टाइम 6:45 हो रहे हैं और हम घर वापस आ चुके हैं। हम गए थे इनके चाची के घर जहाँ पर कुरान खाने थी, तो कुरान खाने से जैसे ही हम वापस लौट रहे थे तो रास्ते में इतनी जोरों की बारिश पड़ने लगी थी कि भाई हम हल्के फुल्के से भीग गए थे, पर चलो अच्छी बात है हम घर पे टाइम से आ गए, हम सारे नहीं भीगे, मतलब गई थी हम पे। तो अब बनाएंगे हम यहाँ खाना, बनाऊंगी खाने में मैं बना रही हूँ बैंगन आलू की सब्ज़ी बनेगी और साथ में बनेगी तोरई। तोरई इसलिए बनेगी क्योंकि असलम को बैंगन आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो नहीं खाता, तो उसके वजह से ये बनाएंगे तोरई असलम के लिए और बाकी सब खाएंगे बैंगन आलू। तो अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, 6:45 बज रहे हैं, तो सब यहाँ सबको घर पे यहाँ खाना खाने की आदत थोड़ी जल्दी की है, तो इसलिए भाई जल्दी चलते हैं किचन में खाना बनाने की तैयारी करते हैं, वरना बहुत लेट हो जाएगा खाना बनाने के लिए। तो यहाँ तो ये देखो बन रहे हैं बैंगन आलू, ठीक है, इसका वो नहीं है क्या बोलते हैं लट्टू सा, अरे तो खुल भी नहीं रहा, जो भी है ये बन रही है तोरे। इसका ना ये ऊपर का ना है नहीं, ये जो वाला है ना ये इसका टूट गया है, तो ना ये ढक्कन को खोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है इसलिए वो मुझसे खुल नहीं पा रहा, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पर एक हाथ में मैंने अपना फ़ोन भी पकड़ रखा है, ठीक है, तो एक हाथ से जैसे मैंने फ़ोन पकड़ रखा तो वो मुझसे खुल नहीं पा रहा जो मैं आपको दिखा देती। या अब मुझे गूंदना आटा, तो मैं आटा भी गूंद लेती हूँ जल्दी से, और मशीन भी लग रही है, तो अभी तो कपड़े धुल रहे हैं, अभी तो मशीन लगाई थी, तो अभी तो पहली बार के ही कपड़े धुल रहे हैं जो भी अभी वॉश भी नहीं हुए। हाँ अच्छा ठीक है, आ रही हूँ, अबान बुला रहा बाहर, जरा अबान के पास जाती जरा। तो जैसे कि तोरई बनाई थी, आधा किलो तोरई थी, ठीक है, और ये तोरई बन के देखो इतनी सी हो गई, जरा सी कर दिए। और इधर देखो ये बन गए आलू बैंगन की सब्जी भी तैयार है, खाना भी तैयार है, तो अभी रोटी बनानी है तो वो अभी बनाऊंगी। और अबान ने यहाँ सो गया है तो मैंने अबान को यहीं सुला दिया चारपाई पे, क्योंकि यहाँ पंखा चल रहा है तो इसको अच्छी हवा भी लग रही है, और वैसे भी अपनी कुदरती हवा भी चल रही है, वाली मस्त ज़बरदस्त हवा चल रही है और थोड़े से पंखे की भी है, तो अबान सो रहा है। पर रात को ये परेशान करने वाला है मुझे, ये लड़का रात को सोएगा नहीं, ना मुझे कुछ काम करने देगा ना सोगा मुझे ना, हाँ मुझे फ़ोन में एडिटिंग करनी होती है वीडियो की, और ये मुझे नहीं करने देगा। चलो तो मैं पहले ना जल्दी से कपड़े निकाल देती हूँ, ऐसा ना बारिश का भी मौसम हो रहा है, कभी बारिश का मौसम हो जाए और फिर बारिश पड़ जाए तो इतने ना हवा अच्छी चल रही है तो पानियों में वो भी निकल जाएंगे। और ये तो देखूँगी सर, रात को भी चैन नहीं है इस मुर्गे को, रात में भी घूम रहा है। तो गाइस ये देखिए 8:30 हो रहे हैं इस टाइम, और आरिस हमारा सो चुका है, और अबान ये देखिए अबान जैसे कि सो रहा था पर उठ गया था, तो इसने इतना ज़्यादा परेशान करा बहुत ज़्यादा, तो खाना हमारा बन गया, खाना भी हम खा पी के फारिक होके बैठे हैं, और यहाँ मशीन लग रही थी, कपड़े भी धुल गए हैं तो यहाँ से भी थोड़ा मतलब ये मशीन वगैरह हटा के रखनी है। और उधर आ गया है असलम, ठीक है, तो असलम आ गया, और तो भाई ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो इस व्लॉग को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय करो अबान, बाय बाय कर दो, देखो अबान का मूड नहीं है, अबान का ना मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है, तो चलिए बाय बाय।